नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जहां एक तरफ शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों के साथ सरकार कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं है। अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विधिका भवन सीधी में इकट्ठा होकर और पूरे संगठन शक्ति के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस वाला न्यूज को अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविकांत गुप्ता ने बताया है, अतिथि शिक्षक पिछले 13 सालों से अपनी मांगों को लेकर लामबंद है, लेकिन प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की बनती और बिगड़ती सरकार अतिथि शिक्षक पर कोई भी स्थायी नहीं है, ना ही अतिथि शिक्षकों को लेकर आज तक कोई निर्णय लिया गया है। 12 माह सेवा काल और स्थायी रोजगार की मांग करते हुए जिला अध्यक्ष ने बताया, हम सरकार से अपने पद का स्थायित्व मांगते हैं, वो 12 माह का सेवा काल और स्थायी रोजगार प्रदान करें। निकाल दिए जाते हैं, फिर सरकार जो है तो ये कह देती है कि न तो नियमितीकरण होगा न कुछ होगा। 5,000 रुपये में बेचारे कई कई किलोमीटर दूर से गाड़ी चला करके जाते हैं आते हैं, उनके प्रति क्या कैसा सरकार शोषण कर रही है हम जानना चाहेंगे। आपका नमस्कार, पुलिस वाला न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर बोलेंगे फिर हम तो बोलेंगे जी। हम लोग आज लगभग पिछले 13 सालों से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन जो सरकारें हैं, सरकार आ रही है जा रही है, इसके पहले बीजेपी सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार आई और वर्तमान में फिर बीजेपी सरकार आई। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस सरकार ने 15 सालों में अतिथि शिक्षकों से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। अब कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में आप लोगों के साथ में अत्याचार किया। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, आखिर हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं। अगर हम कोई केस में अंदर होते हैं, जेल जाते हैं, तो वहाँ पे कैदी का मानदेय आज 130 रुपये से 140 रुपये है। हम स्कूलों में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चों को, और हमारा मानदेय भी उसी क्षम का अच्छे हमसे अच्छे तो वो कैदी हैं, उनको 12 माह का मानदेय दिया जाता है, मतलब जब तक वो जेल में हैं तब तक का उनको मानदेय दिया जाता है। लेकिन हम लोग जुलाई में हम लोगों की नियुक्ति होती है, अप्रैल में बाहर कर देते हैं। अभी श्रम मंत्रालय ने एक आदेश किया था कि कोरोना काल में किसी भी कर्मचारी या मजदूर वर्ग का मानदेय नहीं काटा जाएगा, लेकिन अतिथि शिक्षकों को अप्रैल से ही बाहर कर दिया गया और हमें अप्रैल के बाद से, बल्कि अप्रैल के पहले का ही मानदेय नहीं दिया गया। बल्कि यहाँ तक तो ये है कि बहुत से अतिथि शिक्षक ऐसे हैं बेचारे जिनको पिछले वर्ष 2019 का भी मानदेय अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। हमारा परिवार भूखे मरने के कगार में है। सरकार से हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति करवाए और हमें 12 माह का मानदेय के साथ साथ स्थायी नौकरी प्रदान करें। अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पर आए हैं कलेक्टर महोदय को आप ज्ञापन सौंपने आए हैं, तो आप ये ज्ञापन सौंपने के बाद आपको कैसी उम्मीद लगती है, क्या लगता है आपको कि सरकार आपके प्रति कुछ करेगी या नहीं करेगी? आप लोगों के प्रति समर्पित शोषण तो वैसे भी कर रही है, 5,000 रुपये दे करके और उनसे बराबर कार्य लिया जाता है, लेकिन उनको बराबर समय पर नियुक्ति नहीं मिल पाती, उनके घर भूखों मर रहे हैं, मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, और जब इसके लिए उनके प्रति कोई धरना प्रदर्शन किया जाता है तो उनके ऊपर लाठी डंडे से मार की जाती है, पुलिस गोली चलाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी कलेक्टर सीधी में यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या आई हुई है, सभी हमारे अतिथि विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपने अधिकार के लिए यहाँ अतिथि शिक्षक यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सुबह से आकर के वहाँ पर बैठे हैं और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए कब से वो यहाँ पर बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, कुछ प्यासे बैठे हैं, कुछ लोगों के पास संसाधन भी नहीं था, कोरोना महामारी चल रही है, कोई कहीं से व्यवस्था करके वो इतनी मेहनत के लिए यहाँ आया, मेहनत करते हुए कि हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए, और ये मतलब इनको नौकरी भी न दिया जाए, इनका शोषण भी किया जाए और इनको मानदेय भी न दिया जाए जैसे अन्य विभागों में दिया जाता है, मदद की जाती है। तो क्या इनको मध्यम वर्गीय परिवार को अतिथि शिक्षक में, वो एक शिक्षक होते हैं, शिक्षक जो होते हैं तो यहाँ दर्पण होते हैं एक समाज का, और शिक्षक जो होता है तो हमारे छात्रों में एक अनुभूति, एक साहस और एक कर्तव्यता को भरता है। आज वही शिक्षक यहाँ पर दर बदर भटक रहे हैं, वो अपनी उनकी मांगें नहीं पूरी की जा रही हैं, और जैसा कि आपने अभी इनका सुना, सरकार से मेरा बहुत नम्र निवेदन है कि आचार्यों की इस दयनीय स्थिति को देखा जाए और इसके प्रति कोई कानून पारित किया जाए। कोई भी अतिथि शिक्षक यहाँ पर जैसे कि उनको जब मन पड़ता है तो रख लेते हैं, उसके बाद भर्ती बंद कर देते हैं वो, और इनके लिए कोई न कोई एक ऐसा नियम निकाला जाना चाहिए कि वो कम से कम 5 से 10 साल तक वो सेवा बराबर दे सकें। ऐसा नहीं कि